नमस्कार, असमचार न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। स्कॉलरशिप घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होगी, पीछे हटी आप सरकार, वाल्मीकि समाज को दिया भरोसा, कल ही सिसोदिया पर रेत पड़ी। मूसेवाला कत्लकांड में नए गैंगस्टर की एंटी, गुरुग्राम के लिपिन नेहरा ने गोली बराड़ को दिए दो शूटर। सिसोदिया की जांच में होगी ईडी की एंट्री, शराब घोटाले में सीबीआई ने पीएमएलए के तहत दो धाराएं लगाई, ईडी जल्द मार सकती है रेड। हिमाचल में बारिश से तबाही, 8 लोगों की मौत, 10 लोग हुए घायल, पंजाब को जोड़ने वाला रेलवे पुल टूटा, मंडी में भूस्खलन से 8 लोग दबे, कई लापता। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी, पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज, लिखा लोकेशन ट्रेस करोगे तो भारत में होगा धमाका। बांके बिहारी मंदिर में दम घुटने से 2 लोगों की हुई मौत, रात 2 बजे मंगला आरती में पहुंचे थे 50,000 लोग, क्षमता 800 की थी, 50 बेहोश होकर गिर पड़े। अंबेडकर के स्वर्ण अवतार पर हंगामा, केरल में किताब के कवर पर धोती शर्ट में छापी तस्वीर, दलित कार्यकर्ता बोले कि उनके समर्थकों पर हमला। राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार, हैवी एंटीबायोटिक डोज कम करने से हुआ असर, जॉनी लीवर पहुंचे एम्स। जीएसटी की मार, सालाना 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले अतिथि विद्वान कवियों पर 18% जीएसटी भी लगेगा। सोमालिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला, आतंकियों ने हयात होटल में घुसकर की फायरिंग, 8 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ, देखते रहिए असम जेट न्यूज इंडिया।